नमस्कार दोस्तों, ज्ञान ट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज एक और मोटिवेशन इंस्पिरेशन वीडियो में आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया जो भी मैं स्टोरी आपको सुना रहा हूँ, अगर आपको दोस्तों अगर कुछ प्रॉब्लम्स हैं प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, दिस इज इंस्पिरेशन स्टोरी। इस टाइटल नाम है स्टोरी का, टाइटल का नाम है सही दिशा, राइट डायरेक्शंस। आइए अब हम स्टोरी पे आते हैं। एक पहलवान जैसा हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा व्यक्ति सामान लेकर किसी स्टेशन पर उतरा। उसने एक टैक्सी वाले से कहा कि मुझे साईं बाबा के मंदिर जाना है। टैक्सी वाले ने कहा 200 रुपये लगेगा। उस पहलवान आदमी ने बुद्धिमानी दिखाते हुए कहा, इतने पास के 200 रुपया आप और टैक्सी वाले को लूट रहे हो। आप टैक्सी वाले तो लूट रहे हो, मैं अपना सामान खुद ही उठा कर चला जाऊंगा। वह व्यक्ति काफ़ी दूर तक सामान लेकर चलता रहा। कुछ देर बाद पुनः उसे वही टैक्सी वाला दिखा। अब उसी आदमी ने फिर टैक्सी वाले से पूछा, भैया अब तो मैंने आधा से ज़्यादा दूरी तय कर ली है, अब आप कितना रुपया लेंगे? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, 400 रुपया। उस आदमी ने फिर कहा, पहले 200 रुपया अब 400, ऐसा क्यों? टैक्सी वाले ने जवाब दिया, महोदय इतनी देर से आप साईं मंदिर के विपरीत दिशा में दौड़ लगा रहे हैं, जबकि साईं मंदिर तो दूसरी तरफ है। उस पहलवान व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा और चुपचाप टैक्सी में बैठ गया। इसी तरह ज़िंदगी के कई मुकाम में हम किसी चीज़ को बिना गंभीरता से सोचे समझे सीधे काम शुरू कर देते हैं और फिर अपनी मेहनत और समय को बर्बाद कर उस काम को आधे ही करके छोड़ देते हैं। किसी भी काम को हाथ में लेने से पहले पूरी तरह सोच विचार लें कि क्या जो आप कर रहे हैं वो आपके लक्ष्य का हिस्सा है या नहीं। हमेशा एक बात याद रखें कि दिशा सही होने पर ही मेहनत पूरा रंग लाती है, और यदि दिशा गलत है हो तो आप कितनी भी मेहनत का कोई कर लें कोई लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए दिशा तय करें और आगे बढ़ें, कामयाबी आपके हाथ जरूर थामेगी। तो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र शाह, आई विल टेलिंग अबाउट दिस स्टोरी। आई थिंक दिस इज़ बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है दोस्तों। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि ये वीडियो शेयर हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करें, ताकि ये स्टोरी दूसरे लोगों के पास पहुंच जाए और वो कुछ स्टोरी से सीख लें। और दोस्तों, एक रिक्वेस्ट फिर से करूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल रंग का सब्सक्रिप्शन बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।